धारावी को दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, जहां आपको मजदूर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक सभी मिलेंगे। और यहीं तंग गलियों में ऐसा संगीत भी सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। जब मैं छोटा बच्चा था, उल्टी चड्डी पहनता था, क्या है दारू क्या पता, then I got some गांजा। इस गीत के बोल गांजा सेवन को सही बताते हैं और इसे कंपोज किया है धारावी के डोपर डेलिक्स बैंड ने। हाँ, काफी बार पुलिस से सामना भी हो चुका है और हम लोग के पेरेंट्स से भी बहुत गाली खा चुके हैं, मार भी खा चुके हैं। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ थोड़ा बुरा लग रहा था, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, उन लोगों को लग रहा था हम लोग के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये सब चीज़ करके। फिर थोड़े दिन में जब भी हम लोग का म्यूज़िक पब्लिक के इधर इन्फ्लुएंस होने लगा, मतलब उन लोगों को लगा ये गांजा स्मोक कर रहा है लेकिन ये कुछ क्राइम नहीं कर रहा, ये गाना बना रहा है, म्यूज़िक बना रहा है। गांजे का खुलेआम समर्थन करने वाले डोपर डेलिक्स बैंड ने तो कह दिया कि गांजे को लीगलाइज कर देना चाहिए, लेकिन धारावी के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। हमें ज़्यादा समर्थन नहीं देना चाहिए गांजे को, जितना हो सकता है उसको कम करना चाहिए, गांजा नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने म्यूजिक में डालना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए कि ये इलीगल है और हम ये आगे देश के लिए बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि हम लोग ही आगे देश बनाने वाले हैं, हम लोग ही आगे अपने देश को बढ़ाएंगे, हमारी न्यू जनरेशन क्या सीखेगी अगर हम लोग इलीगल काम करेंगे। विरोध के बावजूद इस बैंड के सदस्यों का हौसला काफी ऊंचा है और अब वो AR रहमान जैसे संगीतकारों के साथ काम करना चाहते हैं। तो उनको हमारा एक राइजिंग अप नाम का एक ट्रैक अच्छा लगा, तो AR रहमान सर ने ऐसा डिस्क्लोज तो नहीं किया, पर इट्स लाइक न्यूज़ इज आया कि ही वांट्स टू डू अ ट्रैक विद अस, सो वी आर वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। डोपर डेलिक्स, गांजे के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने वाला ये ग्रुप, ये कहता है कि गांजे पर से बैन हटा दिया जाना चाहिए, इसे लीगल किया जाना चाहिए, लेकिन भारत जैसा देश जहां पर हर समाज विरोधी चीज बैन हो जाती है, वहां पर ये बैंड कितने दिन तक बना रहेगा सोचना जरा मुश्किल काम है। सुशांत मोहन, BBC मुंबई।